वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन से जान बचाकर फ्रांस पहुंचे लोगों को नाव में रहना पड़ रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई, जिसमें सैकड़ों लोग फ्रांस के मरसे शहर में नाव के पास पहुंचते दिखे। बड़े बड़े बैग के साथ महिलाएं बच्चों के साथ नाव की तरफ बढ़ती नजर आई। सभी को बसों की मदद से बंदरगाह तक पहुंचाया गया। खबर है कि शरणार्थियों की बढ़ती तादाद की वजह से उनके रहने की व्यवस्था नाव में की गई। करीब 1600 शरणार्थियों को अभी नाव पर रखा गया है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल खान जिले से चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है। दावा है कि वहां एक मदरसा शिक्षिका की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि 13 साल की एक लड़की ने सपने में देखा कि शिक्षिका ने ईश निंदा की है और फिर उसने सपने के बारे में 3 अन्य महिलाओं को बताया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर अपनी सहयोगी शिक्षिका की जान ले ली। बताया गया कि हमला धारदार हथियार से किया गया। दावा है कि पहले शिक्षिका को मदरसे से बाहर लाया गया, फिर उसका गला रेता गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मामले की तहकीकात कर ये जानना चाह रही है कि क्या सच में हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वही है या फिर कोई रंजिश थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के ने दावा किया है कि रूस के 124 विमान तबाह हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा 77 हेलीकॉप्टर, 321 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन की सेना ने 1752 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी रूस की तबाह हो चुकी है। रूस की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके हथियार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और अब यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने रूस के 124 विमान तबाह कर दिए हैं, 77 हेलीकॉप्टर, 321 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन के एक ऐसे फौजी का चेहरा पहली बार सामने आया जिसने स्नेक आइलैंड पर सरेंडर करने से इनकार किया था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के दक्षिण में एक छोटा सा टापू है जिस पर जंग छिड़ने के बाद रूस की फौज ने सबसे पहले कब्जा किया था। वहां मौजूद यूक्रेन के जहाज पर मौजूद नौसैनिकों से बातचीत का ऑडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। उस वक्त ये माना जा रहा था कि सरेंडर करने से जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने इनकार किया, रूस की फौज ने उन्हें ढेर कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि यूक्रेन के सभी सैनिकों को रूस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छोड़ दिया गया। जिस सैनिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसे यूक्रेन की फौज ने खास तौर पर सम्मानित किया। जंग के बीच ही रोमन नाम के उस सैनिक को यूक्रेन ने वहां का नागरिक सम्मान दिया। यूक्रेन जंग में शामिल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने हवा में जेड और वी का निशान बनाया, क्योंकि रूस की सेना जब यूक्रेन में घुसी थी तो उस दौरान रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर अंग्रेजी के यही दो अक्षर लिखे थे जो आगे चलकर रूस के समर्थन का प्रतीक बन गए। और इसी वजह से जंग में शामिल रूस के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी वायुसेना के पैराट्रूपर्स ने आसमान में जेड और वी का निशान बनाया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूस के समारा इलाके में मौजूद एयरबेस से रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता दिखा। हेलीकॉप्टर के अंदर कई पैराट्रूपर नजर आए जिन्होंने छलांग लगाने से पहले एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, पैराट्रूपर्स ने एक के बाद एक हवा में छलांग लगा दी। हवा में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे के हाथों और पैरों को पकड़कर वी का निशान बनाया। थोड़ी देर बाद उनके साथ कुछ और पैराट्रूपर जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने हवा में अंग्रेजी का जेड अक्षर बनाया। बाद में सभी लोग पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर आ गए। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है।
इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डटकर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है, और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपुल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपुल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपुल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपुल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपुल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपुल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपुल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपुल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच फिर होगी बातचीत। 1 अप्रैल को होगी मुलाकात। युद्ध रोकने को लेकर होगी चर्चा। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 36वें दिन इरपिन शहर में तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन पर रूसी हमले कम करने के दावे पर सवाल। चर्निव प्रशासन ने किया बड़ा दावा। रूसी सैनिकों के हमले और तेज हुए। इस्तांबुल में बैठक के बाद रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन कम करने का किया था ऐलान। रूस यूक्रेन संकट के बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री का भारत दौरा। एस जयशंकर से यूक्रेन संकट के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर मुलाकात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में आज होगी बहस। इमरान खान ने आज बुलाई एक अहम बैठक। विपक्ष ने मांगा इमरान का इस्तीफा।